बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब पर। आई होप कि आप सब लोग फाइन होंगे। सो गाइज, आज के ट्यूटोरियल में आप लोग को क्या सिखाने वाला हूँ, आज के ट्यूटोरियल में आप लोग को सिखाने वाला हूँ ई प्लस एफ लोगो डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश। सो गाइज, इसको लेटर लोगों को आप कैसे क्रिएट करेंगे और वो भी बहुत ही ईजी मैथड के साथ आप लोग को फुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। इस तरह का लोगो पहले मैंने नहीं क्रिएट किया, ये आइडिया मेरे माइंड में आ रहा था, सो मैंने आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था और आप लोग को ये लोगो जो है वो क्रिएट करना सिखाना चाह रहा था। सो आज फाइनली आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा पी प्लस एफ को आप कैसे क्रिएट करेंगे और वो भी बहुत इजी मेथड के साथ। आप बने रहे वीडियो के साथ, आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइज, आपके जो फेवरेट कलर आप उनको पहले क्रिएट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ ग्रेडिएंट कलर, एक मैंने जो है वो गोल्डन कलर जो है वो क्रिएट किया है और थ्री जो है दूसरे ग्रेडिएंट कलर किए हैं। जो आपके फेवरेट है आप उनको क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, चलें आप करें वीडियो को एंजॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइज, इस लोगों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ लाइन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं गाइज। तो गाइज़, आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैं आप लोगों को यहाँ पे एक न्यूज़ दे देता हूँ कि आज के बाद मेरी जो भी वीडियो आएगी वो मैं आप लोगों को जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ या कुछ भी, यहाँ पे मैं इसके बीच में चला जाता हूँ तो यहाँ पे एक्सपेंड वगैरह करता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो यहाँ पे ज़रा देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं जो है वो ज़रूर जो है वो इसको जूम करके आप लोग को बताया करूँगा। मैं यूज़ करूँगा कर्सर जूम का, मैं जो है वो यूज़ करूँगा कि आप लोगों को वाजह नज़र आए जो भी चीज़ मैं क्रिएट करता हूँ, वो आप लोगों को वाजह जो है वो जूम जो है वो नज़र आएगा कि आप लोग कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना करें। तो मैं इसमें हर वीडियो में मैं यूज़ करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वाजह नज़र आए, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर मिला है तो इसमें मैं आप लोगों को जूम करके ज़रूर जो है वो बताया करूँगा इंशाल्लाह, हर वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरी। तो इसको आप थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम सेकंड वाला गोल कर्सर को यहाँ पे हमने क्रिएट करना है गाइस। यहाँ इसको क्या करता हूँ, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और इसको वैल्यू को थोड़ा कम कर देंगे यहाँ पे। बिल्कुल आपने भी ऐसे ही कर लेना है। तो गाइस, आपने ये वाला स्केच रेडी कर लेना है, इसमें आज हमने अपना लोगो जो है वो क्रिएट करना है। और यहाँ पे हमें अब एक लाइन की नीड पड़ेगी, वो हमने क्या करना है यहाँ पे क्रिएट करनी है। आप जितना बड़ा लोगो रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको जो है वो रख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप उस तरह उसको कर सकते हैं। तो आपने गाइस ये वाला स्केच जो है वो रेडी कर लेना है बिल्कुल इसी तरह। तो इसमें आज हम अपना पी प्लस एफ को जो है वो क्रिएट करेंगे और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लोगो जो है वो क्रिएट करेंगे। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं इसको सेलेक्ट और शेप टूल को लेते हैं, यहाँ पे इस पर कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ब्लैक को ही हम चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से मैं पी को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से मैं पी को कर लेता हूँ क्रिएट और यहाँ पर इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं यहाँ तक लिख के आऊँगा, आगे मैं आप लोग को बताऊँगा। पहले पी को हमने कर लिया है, केयरफुल रह के आप अपना वर्क कीजिएगा। और अब हमने एफ को क्रिएट करना है। एफ को हमने कहाँ से क्रिएट करना है, यहाँ से हम इसको क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ये मैंने छोड़ देना है या यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर जो तो छोड़ देंगे हम लोग। एफ को हमने करना है तो यहाँ पे हम करेंगे इसको और यहाँ पे अब गाइस ये चीज़, और यहाँ पे हम गाइस एक और लाइन को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको इसके साथ अटैच नहीं करना चाहता, सो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। जितनी आपने स्पेस रखनी आप उतनी रख लीजिएगा, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि लोगो तो आपके सामने है सारा। तो अब
शेप टूल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इसमें ब्लैक कलर को फिल करेंगे। अब ये एफ को हमने क्रिएट कर लिया, बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे आपने पी को लिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपसे छूट जाएगी तो आपका लोगो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने देख लेनी है। तो यहाँ पे ये स्पेस मैंने खुद रखी है क्योंकि मैं इसको इसके साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं करना चाहता था। तो अभी इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाऊँगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ तो चलें अनग्रुप कर लेते हैं। यहाँ पे अब लोगो हमारा जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया फाइनल। एक्स्ट्रा लाइन्स को रिमूव कर दूंगा। तो गाइस इसको खूबसूरत बनाने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट सेलेक्शन टूल लूँगा और इसकी मैसेज को कुछ यूँ क्रिएट कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे जो है वो लग रहा है मेरा लोगो, ठीक है। अब इसमें हम अपना करेंगे कलर फिल करेंगे इसमें। अब आप देख लीजिएगा ग्रेडियंट करना है, ये वाला ग्रेडियंट करना है या ये वाले, इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। मुझे तो मुझे सारे मेरे कलर जो है वो ये फेवरेट कलर है। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम ब्रांड नेम लिख लेंगे, ब्रांड नेम इसको थोड़ी सी इसकी वैल्यू को कम कर लेंगे। तो गाइस बहुत ही इजी, मेरा जितना हो सकता है मैं आप लोगों को इजी जो है वो आइडिया देता हूँ कि आप अपने लोगों को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने ब्रांड का या यहाँ पे चले लेते हैं। और अब इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ वाइट। यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड यूज़ करूँगा ब्लैक कलर की, क्योंकि कलर पे ये अच्छी लगेगी बैकग्राउंड, सो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सेंड टू बैक कर देंगे इसको, ओके। और इसको मैं फुल डार्क ब्लैक करूँगा, ये देखिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लोगो जो है हमारा पी प्लस एफ जो है वो कितना ज़बरदस्त खूबसूरत यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसमें कोई भी आप कलर फिल कर लें इसमें से जो भी है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं। जो आपको पसंद है आप उसको जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे तो मैं आज मैंने ये बाकी तो मैंने काफ़ी यूज़ किया ये कलर, तो मैं इसको इसमें ये वाला यूज़ करूँगा, ये वाला ग्रेडियंट कलर गोल्डन कलर का, ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो लोगो मैंने यूज़ किया। तो इस तरह के लोगो और भी मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं। अगर आपको पी प्लस एफ को और भी आइडिया चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह जो है वो बताऊँगा कि आप और भी किस तरह के लोगो पी प्लस एफ को कैसे क्रिएट करेंगे और भी मेथड के साथ, पॉलीगॉन कर्सल वगैरह या कुछ। आज तो हमने गोल्ड कर्सल का चलें यूज़ किया है, तो नेक्स्ट और भी चलें आपको देंगे इंशाल्लाह आइडिया। और मेरा मकसद यही है गाइस कि आप लोग एक अच्छे डिज़ाइनर बने, एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बने। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस दुनिया में आना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी फील्ड है। लोगो मेकर बनना और ग्राफिक डिज़ाइनर बनना ये बहुत अच्छी फील्ड है। तो आप जो भी काम करें, मैं तो आप लोग को यही बोलूँगा कि आप जो भी काम करें दिल से कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका दिल नहीं करता तो आप प्लीज़ उसको छोड़ दें। अगर आप दिल से कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आप उसमें सक्सेसफुल भी होंगे इंशाल्लाह। तो मेरे पास जितना नॉलेज है, मैं मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। तो आप लोग को एक और बात बता दूँ कि गाइस अगर आपको एजुकेटर में को लेके कोई आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें, या कोई डिज़ाइन क्रिएट करना या कुछ भी कोई टूल्स वगैरह या आपका वर्क नहीं कर रहे या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर जो है वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह के और भी मज़े के लोगों जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो मैं देता रहूँगा जब तक लाइफ है, और जब तक मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं तब तक आप लोगों के साथ हूँ। और इंशाल्लाह मेरी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को किसी मंजिल पे लेके जाना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ आप बहुत सारा प्यार देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि
जब आपका एक कमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशी देता है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं, प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोगों जो है ये मेरे माइंड में आ रहा था, तो आप लोगों के साथ मैंने जो है शेयर किया। पहले इस तरह का लोगों मैंने नहीं क्रिएट किया, फर्स्ट टाइम ये क्रिएट किया है और बहुत अच्छा लगा। और इस तरह का और भी आप लोगों को अच्छा आइडिया दूंगा। तो वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो रही है, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो गाइज़ आई होप इस तरह का लोगो क्रिएट करने में अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।